नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है, क्योंकि आर्ट हमारे जीवन का वो खुला रहस्य है जिसे हम जीते तो हैं लेकिन कई बार समझ नहीं पाते। कला हमारे जीवन को इतना प्रभावित करता है जितना शायद शिक्षा भी नहीं कर पाता। वो कला ही है जिसके जरिए कठिन से कठिन बात हम मूर्ख से मूर्ख लोगों को भी बहुत आसानी से समझा देते हैं। वो कला ही है जिसके जरिए एक गूंगा व्यक्ति भी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर देता है और एक अंधा भी सब कुछ देख और समझ लेता है। हमारे जीवन में कला की कितनी महत्ता है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भी इस अभिव्यक्ति के माध्यम का जोर शोर से सहारा लिया जा रहा है। अलग अलग शहरों में सड़कों के किनारे, दीवारों, खिड़कियों पर सोशल डिस्टेंसिंग अभियान को रफ्तार देने के लिए वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। इन सभी पेंटिंग पर आपको तरह तरह के चित्र बने नजर आएंगे। इन चित्रों के माध्यम से लोगों को अलग अलग संदेश देने की कोशिश की गई है। कहीं दीवारों पर मुसाफिरों को कोरोना से जुड़ी पेंटिंग नजर आएगी तो कहीं सड़कों और बीचों पर कोरोना थीम आर्ट। ये सभी पेंटिंग्स लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही हैं और लोग अक्सर यहाँ से गुजरते वक्त इन पेंटिंग्स के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं और वो अपने इसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं तो ऐसे में लोग अकेलापन को दूर करने के लिए आर्ट थेरेपी का भी सहारा ले रहे हैं। यानी अपने घरों में पेंटिंग ड्राइंग बनाकर लोग अपने मन को बहला रहे हैं, जो घर में रहने पर खुद को उलझाए रखने का सबसे आसान और अच्छा तरीका भी साबित हो रहा है। बता दें कि वर्ल्ड आर्ट डे पहली बार साल 2012 में 15 अप्रैल को मनाया गया था। 15 अप्रैल को इसलिए मनाया गया था क्योंकि इस दिन इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो द विंची की जयंती भी है। लियोनार्डो द विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को हुआ था। लियोनार्डो द विंची इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। इन्हें कला का भंडार भी कहा जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।